हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये है पार्ट फोर रिसर्च मेथडोलॉजी का और आज हम पढ़ेंगे टाइप वन और टाइप टू एरर स्टैट्स में। सो बेसिकली ये मैं रिसर्च का ही पार्ट है, तो मैं रिसर्च में ही पढ़ा रही हूँ, रिसर्च मेथडोलॉजी में ही पढ़ा रही हूँ, बट मेन यूज स्टैट्स में आएगा। लाइक स्टैट्स में बेसिकली हम ज्यादा फोकस रखेंगे कोफिशियंट वगैरह समझने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बट लाइक हमें समझना पड़ता है कि एरर्स किस जगह आते हैं। तो टाइप वन और टाइप टू एरर हमें वही एक्सप्लेन करेंगे। आई नो डेट आई टोल्ड यू इन द लास्ट पार्ट, लाइक पार्ट थ्री ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, की हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे इसमें, बट सैम्पलिंग हम बाद में पढ़ेंगे, सैम्पलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम टाइप वन और टाइप टू एरर कवर करेंगे। तो मैं लास्ट वीडियो से कुछ समझाना चाहती थी, लाइक मैंने एक एग्जाम्पल मिस कर दिया था, तो मैं वो एग्जाम्पल अभी दे देती हूँ और उसके बाद हम टाइप वन और टाइप टू एरर पढ़ेंगे स्टैट्स का। तो मुझे इसमें बस ये वाले पार्ट, ये ग्राफ समझाना है थोड़े से। सो इट्स लाइक मैंने बोला था कि जब वन टेल टेस्ट होता है, तो हमें पता है कि वन टेल टेस्ट में लाइक हमें पता होता है कि किस डायरेक्शन में हाइपोथेसिस जा रही है, राइट? कि दोनों के बीच में लाइक कितनी चांस है कि जो रिजल्ट आया है वो कोइंसिडेंस है या फिर लाइक वो बाय चांस आ गया है वो रिजल्ट जो हमें रिजल्ट चाहिए था। तो वन टेल्ड हाइपोथेसिस में मैंने बताया था कि वो एक ही साइड होगा, या तो वो इस साइड होगा, 5% होगा, और इसी साइड होगा, बिकॉज यूजुअली हम 5% का ही लेते हैं। ओके, या तो वो इस साइड होगा या फिर वो इस साइड होगा। ओके, बेसिकली एक ही साइड कंसर्न होगा, दोनों साइड नहीं हो सकता, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। सपोज हमारा जो रिजल्ट है स्टडी टाइम और मार्क्स स्कोर का, सपोज वो बाय चांस आया है, तो इट्स लाइक या तो ये हो सकता है कि दोनों ही बहुत लाइक अपोजिट रिजल्ट आ गया, कि स्टडी टाइम बढ़ाने से मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो इस जगह लाई करेगा, और या फिर इस साइड आता है, तो मतलब कि कोई नल हाइपोथेसिस है ही, मतलब एक नल हाइपोथेसिस है। बेसिकली मार्क्स स्कोर्ड और स्टडी टाइम में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो इस साइड आएगा, राइट? वो इस साइड आएगा, बेसिकली एक डायरेक्शन में वो कंसर्न होगा। और टू टेल हाइपोथेसिस में क्या था, वेट, टू टेल हाइपोथेसिस में था कि दोनों साइड हो सकता है, क्योंकि हमें वहां पे डायरेक्शन नहीं पता होती, तो इट्स लाइक ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और 2.5% 2.5% चांसेस होती है दोनों साइड, राइट? टू टेल्ड है ये, लाइक हम बोलते हैं कि मार्क्स और स्टडी टाइम रिलेटेड है, हमें बस ये पता है कि स्टडी टाइम अफेक्ट करता है मार्क्स को, तो कैसे भी कर सकता है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। तो बाय चांस आने वाले रिजल्ट भी दो साइड हो जाएंगे, या तो इस साइड या इस साइड, तो वो 2 point, नॉट या, दोनों साइड हो सकते हैं, यहाँ पे और नहीं लगेगा, यहाँ पे एंड लगेगा, तो 2.5% इस साइड और 2.5% इस साइड। आई होप इट्स क्लियर नाउ, लेट्स मूव ऑन। ओके, टाइप वन और टाइप टू एरर, अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट कैन नॉट प्रूव दैट अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज करेक्ट विच इम्प्लाइज 100% सर्टेनिटी। तो जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट होता है, जैसे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट कौन सा होता है जिसकी पी वैल्यू 0.05 से कम होती है, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है। तो बट उसका मतलब ये नहीं होता कि रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो एक पी वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है, और हमेशा एक कहीं ना कहीं एक चांस होता है कि इनकरेक्ट कंक्लूजन निकले रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। हमेशा एक चांस होता है इनकरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचने का। सो नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डिनोट करते हैं। तो टाइप वन और टाइप टू एरर जो होते हैं वो सब्जेक्टेड होते हैं टू द रिजल्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है? जो भी रिजल्ट आएगा नल हाइपोथेसिस का, उससे टाइप वन और टाइप टू एरर हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे।
तो Type 1 एरर के केस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाती है जबकि नल हाइपोथेसिस सही होती है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाती है जबकि वो सही होती है। और Type 2 एरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं की जाती जबकि इवन तब भी जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है उसके बाद भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं की जाती। दोनों Type 1 और Type 2 को हम फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। बहुत सारी स्टैटिस्टिकल थ्योरी रोटेट करती हैं ऑन अराउंड द रिडक्शन ऑफ वन और बोथ ऑफ दीज एरर्स, ठीक है, कि इन दोनों एरर्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। पर लेकिन जो टोटल एलिमिनेशन है दोनों एरर्स का, वो बोला जाता है कि वो स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है, वो अचीव नहीं किया जा सकता। कोई ना कोई एक एरर होने की चांस होती ही है। एग्जाम्पल, और एक नोट याद रखना कि जो चांसेस होते हैं कमिट करने के, ये दो टाइप के एरर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर Type 1 एरर रेट हमने किस तरीके से डिक्रीज कर दिया तो Type 2 एरर का रेट जो है वो बढ़ जाएगा और वाइस वर्सा। लाइक Type 2 एरर का हमने रेट कम कर दिया तो Type 1 के एरर होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। मूविंग ऑन, ये टेबल से आपको एक बार समझ में आ जाएगा। जैसे नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है पर हमने रिजेक्ट कर दी तो Type 1 एरर हो गया जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ हाइपोथेसिस वाली में पी वैल्यू के टॉपिक के अंदर। और अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट हमने तब भी रिजेक्ट नहीं किया तो डिसीजन सही है, मतलब ट्रू नेगेटिव है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस नेगेटिव। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमने रिजेक्ट भी कर दी तो करेक्ट डिसीजन होगा, ट्रू पॉजिटिव होगा और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस बीटा। और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है पर तब भी हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, Type 2 एरर कमिट होगा और इसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी बीटा से डिनोट की जाएगी। मूविंग ऑन, Type 1 एरर। Type 1 एरर तब होता है जब एक रिसर्चर करेक्टली इनकरेक्टली रिजेक्ट करता है एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को। मतलब नल हाइपोथेसिस सही थी, जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया था कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स और मार्क्स स्कोर रिलेटेड नहीं है आपस में, तो ट्रू वो नल हाइपोथेसिस सही थी बट लेकिन रिसर्चर ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं ये नल हाइपोथेसिस नहीं है, कोई ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। तो ये जो एरर है ये स्टेट करता है कोई चीज जो कि प्रेजेंट है ही नहीं, ये उस चीज को स्टेट कर रहा है जो है ही नहीं, तो इसको हम फॉल्स हिट बोल सकते हैं। तो Type 1 एरर को हम यूजुअली फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। एक इवेंट जो कि शो करता है कि गिवन कंडीशन प्रेजेंट है जबकि वो एब्सेंट होती है, ठीक है, तो सिचुएशन लाइक प्रेजेंट है तो पॉजिटिव आ गया बट गलत है इसलिए फॉल्स, तो फॉल्स पॉजिटिव। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, लाइक किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो इट्स लाइक कि एक इंसान ने बियर देखा जबकि कोई बियर था ही नहीं, तो एक फॉल्स अलार्म था, उसको लगा कि बियर है। तो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या होगा, देयर इज नो बियर। तो जो Type 1 एरर है वो उसका जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है या रेट लेवल होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है रिफ्यूज करने की नल हाइपोथेसिस, गिवन कि नल हाइपोथेसिस सही है। इसको हम ग्रीक लेटर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। Type 1 एरर को हम Type 1 एरर सिग्निफिकेंस लेवल या रेट लेवल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूजुअली जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है या प्रोबेबिलिटी होती है Type 1 एरर की वो 0.05 होती है, मतलब 5%, मतलब कि इट इज सेटिस्फैक्ट्री टू हैव अ 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ इनएक्यूरेटली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, की 5% प्रोबेबिलिटी है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो जबकि वो सही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन योर क्लिनिकल स्टडी तुमने सिम्टम्स कंपेयर किए पेशेंट के जिन्होंने एक नया ड्रग रिसीव किया या फिर उन्होंने कोई कंट्रोल ट्रीटमेंट लिया, तो तुमने टी टेस्ट यूज करके, हम पढ़ेंगे टी टेस्ट वगैरह स्टैट्स में, तुमने टी वैल्यू निकाली 0.35 की, तो जो पी वैल्यू है वो
अल्फा वैल्यू से कम है 0.5, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे जो रिजल्ट है उसको स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट माना जाएगा और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पर लेकिन जो पी वैल्यू है उसका मतलब ये है कि 3.5% चांस है कि जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है, मतलब कि नल हाइपोथेसिस सही हो सकती है। तो ऐसे में रिस्क होता है टाइप 1 एरर बनाने का। मूविंग ऑन, अगर हमें टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें कम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि हम सिग्निफिकेंस लेवल सब कम से कम सेट करें, क्योंकि जितना कम सिग्निफिकेंस लेवल होगा उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी मिस्टेक्स करने की। ओके, फिर टाइप 1 एरर रेट एट द टेल एंड, वेट यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो शेडेड एरिया है ये अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जस्ट अ मिनट, ओके या तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन स्टैट्स में, इस रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अगर जो हमारा रिजल्ट है वो इस क्रिटिकल रीजन में लाई करता है तो ये माना जाता है कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा सकता है। बट लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन है क्योंकि नल हाइपोथेसिस इस केस में सही है। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे आ रहा है। ओके, मूविंग ऑन, टाइप 2 एरर, जस्ट अ मिनट, ओके या सो टाइप 2 एरर को हम और क्या बोलते हैं, इसको मैंने बोला था कि हम दोनों को फॉल्स नेगेटिव बोल सकते हैं। और ये कब होता है, जब रिसर्चर एक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है जो कि एक्चुअली फॉल्स है। ठीक है, मतलब एक नल हाइपोथेसिस जो कि सच में फॉल्स है बट लेकिन रिसर्चर ने उसको सही प्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि कोई चीज प्रेजेंट है बट लेकिन आपने मिस कर दी। ठीक है, तो टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव बोला जाता है जहाँ पे एक रियल हिट, जो कि एक रियल हिट है, वो टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको एक मिस की तरह काउंट किया जाता है। टाइप 2 एरर को असाइन किया जाता है जब एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। बेसिकली अगर एक एग्जामिनर जो है वो मिस कर दे डिस्कवर करना बियर को जबकि बियर है वहां पे, तो अगेन जो स्टेटमेंट होगा नल हाइपोथेसिस का वो होगा देयर इज नो बियर। वेयर इन इफ अ वुल्फ इज इंडीड प्रेजेंट, तो जो टाइप 2 एरर होगा वो वेयर इन इफ अ वुल्फ इज इंडीड प्रेजेंट इज अ टाइप 2 एरर ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अगर वहां पे बियर की जगह वुल्फ है तो ये इन्वेस्टिगेटर की तरफ से एरर होगा ना कि एग्जामिनर की तरफ से। तो यहाँ पे जो बियर है या तो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता गिवन सर्कमस्टेंसेस में, बट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या उसको करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया या नहीं, या तो उसको देखा नहीं या फिर आइडेंटिफाई सही से नहीं किया, तो टाइप 2 एरर हो सकता है। सो मूव ऑन करते हैं। टाइप 2 एरर का मतलब होता है फेलिंग टू कंक्लूड देयर वॉज एन इफेक्ट व्हेन देयर एक्चुअली वॉज, इन रियलिटी योर स्टडी में नॉट हैव हैड इनफ स्टैटिस्टिकल पावर टू डिटेक्ट एन इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन साइज। ठीक है, तो पावर जो होता है वो एक्सटेंट होता है टू विच अ टेस्ट कैन करेक्टली डिटेक्ट अ रियल इफेक्ट व्हेन देयर इज वन। बेसिकली टेस्ट कितना करेक्टली डिटेक्ट कर सकता है एक इफेक्ट को जो कि प्रेजेंट है, तो पावर लेवल जो होता है 80 या फिर उससे ऊपर का उसको एक्सेप्टेबल माना जाता है। जो रिस्क होता है टाइप 2 एरर का वो इनवर्सली रिलेटेड होता है स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ स्टडी से। बेसिकली जितनी ज्यादा स्टैटिस्टिकल पावर होगी उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी कि टाइप 2 एरर होगा। स्टैटिस्टिकल पावर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, साइज ऑफ द इफेक्ट। जितने ज्यादा इफेक्ट्स होंगे, जितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उतनी इजीली वो डिटेक्ट हो जाएगा, राइट। मेजरमेंट इफेक्ट, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स रिकॉर्डेड डेटा में पावर को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है,
सिस्टमैटिक और रैंडम एरर रिकॉर्डेड डेटा में वो पावर को रिड्यूस करते हैं। सैम्पल साइज में क्या होता है, जितना ज्यादा सैम्पल होगा वो सैम्पलिंग एरर उतना ही कम कर देगा और पावर को इंक्रीज कर देगा। और सिग्निफिकेंस लेवल, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंस लेवल होगा उतनी ज्यादा पावर होगी। तो जो रेट लेवल होता है Type 2 एरर का, उसको हम ग्रीक लेटर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो पावर ऑफ टेस्ट से लिंक्ड होता है। और पावर ऑफ टेस्ट कितनी होती है, 1 माइनस बीटा। ओके, 1 माइनस बीटा, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि रेट लेवल निकाल रहे हैं हम। ओके, और बीटा, और पावर क्या होती है, स्टैटिस्टिकल पावर किससे डिनोट होती है, बीटा से। तो जो रेट लेवल होगा वो 1 माइनस बीटा होगा। मूविंग ऑन, एग्जाम्पल देखते हैं एक। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लिनिकल स्टडी, तुमने एक पावर एनालिसिस कंप्लीट किया और डिटरमाइन किया अपना सैम्पल साइज कि जो भी तुम्हारा सैम्पल साइज है उसके साथ तुम्हारी 80% चांस है डिटेक्ट करने का एक इफेक्ट साइज जो कि 20% से 20% है या उससे ज्यादा है। तो जो इफेक्ट साइज होता है 20% का, उसका मतलब है ये है कि जो ड्रग इंटरवेंशन है वो रिड्यूस कर रहे हैं सिम्टम्स बाय 20% मोर देन द कंट्रोल ट्रीटमेंट। ठीक है, जबकि जो Type 2 एरर होता है वो तब अकर हो सकता है। Type 2 एरर में अकर इफ एन इफेक्ट दैट्स स्मॉलर देन दिस साइज। ठीक है, Type 2 एरर तब होगा जब जो इफेक्ट होगा वो इस साइज से कम होगा, बेसिकली कंट्रोल ट्रीटमेंट के साइज से कम होगा। तो जो एक स्मॉलर इफेक्ट साइज होता है वो बहुत अनलाइकली होता है कि वो डिटेक्ट हो सके स्टडी में इनएडिक्वेट स्टैटिस्टिकल पावर की वजह से। नोट यहाँ पे ये है कि इन रिड्यूस करने के लिए Type 2 एरर को हम इंक्रीज कर सकते हैं सैम्पल साइज को या फिर सिग्निफिकेंस लेवल को। फिर मूव करते हैं Type 2 एरर रेट पे, इस जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाला पार्ट। तो जो रिमेनिंग एरिया है कर्व के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिस्टिकल पावर। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिस्टिकल पावर, जो कि कितनी है, 1 माइनस बीटा। जितनी ज्यादा स्टैटिस्टिकल पावर होगी उतना ही कम रिस्क होगा Type 2 एरर करने का। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हम एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं रियल लाइफ समझने के लिए, Type 1 और Type 2 एरर और नल हाइपोथेसिस में। बेसिकली तो हम कंसीडर करते हैं एक नल हाइपोथेसिस जो कि है, अ मैन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो इस केस में क्या होगा, Type 1 एरर अगर हुआ है तो उसने क्राइम की, उसको बोल दिया गया है, ये मान दिया गया है कि उसने क्राइम की है, जजमेंट दे दिया गया है कि वो क्रिमिनल है, जबकि वो नॉट गिल्टी है, उसने क्राइम नहीं किया है। तो बेसिकली नल हाइपोथेसिस सही थी बट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब बियर था नहीं पर तब भी देखा गया, मतलब बेसिकली क्राइम की नहीं थी बट लेकिन बोल दिया गया कि क्राइम की है। और इस केस में अगर Type 2 एरर होगा तो ये होगा कि उसको नॉट गिल्टी बोला जाएगा, जजमेंट दे दिया जाएगा कि वो गिल्टी नहीं है, जबकि उसने सच में क्राइम किया था। फिर Example 2 है, एक पेशेंट, चलो पहले नल हाइपोथेसिस पढ़ लेते हैं। अ पेशेंट साइंस आफ्टर ट्रीटमेंट ए आर द सेम फ्रॉम अ प्लेसिबो। ठीक है, तो Type 1 एरर इसमें क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट है वो प्लेसिबो से ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो नल हाइपोथेसिस सही थी कि दोनों सेम है, ठीक है, प्लेसिबो और ट्रीटमेंट दोनों सेम है, बट लेकिन रिजल्ट क्या आया कि ट्रीटमेंट है ज्यादा इफेक्टिव है, तो मिस्टेक हो गई। और इसमें ही अगर Type 2 एरर होता तो ये बोलते कि ट्रीटमेंट ए इज मोर पावरफुल देन प्लेसिबो इवन दो इट ट्रूली इज मोर एफिशियंट। तो इट्स लाइक कि वो
वो बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट ए जो है वो ज्यादा पावरफुल है प्लेसिबो से, जबकि वो सच में ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, समझ में आ गया। पहले केस में क्या था, Type 1 एरर के केस में क्या था कि नहीं था, दोनों सेम थे, बट लेकिन इसमें क्या है कि वो है सच में एफिशिएंट है। सॉरी, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे आना चाहिए नो मोर पावरफुल, ठीक है। यहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ है कि ट्रीटमेंट सेम है, जबकि असल में ट्रीटमेंट ए ज्यादा इफेक्टिव है प्लेसिबो से। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। यहाँ पे एक एरर है बेसिकली, लेट मी जस्ट करेक्टेड। यहाँ पे नो आएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ए इज नो मोर पावरफुल देन प्लेसिबो, इवन दो इट ट्रूली इज मोर एफिशिएंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द वीडियो। Type 1 और Type 2 एरर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप प्लीज़ याद रखें, कोशिश करें कि ये आपको हमेशा याद रहे, इसलिए आप जब तब तक रिवाइज करना डेली, जब तक याद नहीं हो जाता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ईट गुड फूड, स्लीप प्रॉपरली, एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू डिड लाइक द वीडियो, एंड बाय बाय।